बैक टू द व्लॉग, होप यू आर डूइंग वेल। मैंने नानजिंग में बहुत ज़्यादा आप लोगों को घुमाया है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि नानजिंग का सबसे पॉश इलाका कौन सा है, जहाँ पे सारे बड़े लोग भी रहते हैं और एक पुरसकून ज़िंदगी भी लोग जीते हैं वहाँ पे? तो वो है शानलिन का एरिया। आप नानजिंग में शानलिन आएंगे तो आपको एक नया डिफरेंस मिलेगा। यहाँ की जो रोड्स हैं, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वो काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर आपको इंग्लिश लाइफ भी मिलेगा, मतलब अभी जो जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर सारे कैफे, सारे रेस्टोरेंट्स वो वेस्टर्न हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बड़े विलास भी मिलेंगे, और जिस तरह एक पुरसकून ज़िंदगी लोग जीते हैं, स्पेशली आपने कनाडा में और US में ये कल्चर बहुत आम है कि यहाँ पर लोग जो गाँव या देहात वाले एरियाज़ होते हैं, शहर के साथ जो अटैच होते हैं सबर्ब्स, वहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ पर घरों की कीमत महंगी होती है। इसी तरह ये भी वो एरिया है। मेन सिटी सेंटर से तो ये दूर है, लेकिन यहाँ पे अपना ही सिटी सेंटर है इनका, मतलब यहाँ पे इनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैफेज़ भी अवेलेबल हैं, और घर से बाहर निकलते तो इतने ज़बरदस्त किस्म के दरख्त और एक नई ज़िंदगी, सुकून सांस भी जब आप यहाँ पे लेते तो आपको महसूस होता है कि यार वागी। इवन यहाँ पर किसी भी मैकडोनल्ड में भी आप बैठते हैं तो उसके बाहर भी आप जो व्यू देखते हैं ना, बड़ा सुकून आता है, इतनी ग्रीनरी होती है। ये आप चेक कर ले, यहाँ पर अक्सर फंक्शंस भी होती रहती हैं, और यहाँ पर ये सारे वेस्टर्न कैफेज़ हैं, ये पूरा एरिया इस तरह है। और यहाँ पर जिस तरफ भी आप देखते हैं, हर तरफ यहाँ पे हरियाली नज़र आती है आपको। और यहाँ के जो स्कूल्स हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं, यहाँ पे जो घरों की कीमत है वो भी काफ़ी महंगी हैं, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंशल बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मशहूर है वो यहाँ पर विलाज है। और यहाँ पर पहाड़ भी नज़दीक है, जो पर्पल माउंटेन है बहुत ही मशहूर, वो भी यहाँ पर करीब पड़ता है। और इस तरह और भी जो माउंटेन्स हैं वो भी करीब पड़ते हैं, मतलब ये कि ये नेचुरल एरिया भी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स हो रही है, ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज़ हैं, तो यहाँ का लेवल ही कुछ अलग है। यहाँ की जो बुक स्टोर में भी अब जाते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। और इसके बैक साइड पर एक बहुत बड़ा मॉल भी बना हुआ है, और उसी मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आउट से इट्स रियली नाइस इफ़ यू वांट टू एंजॉय द लग्जरी एंड द वेस्टर्न लाइफ ऑफ नानजिंग सिटी। तो यहाँ पे खैर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, अभी मेरे पास खैर टाइम उतना ज़्यादा तो है नहीं मैं पूरा इसको एक्सप्लोर करूँ, लेकिन हम काफ़ी दफ़ा इधर आते हैं, अक्सर हम इधर ही होते हैं। ये जगह मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ये आप चेक कर लें, यहाँ पर ये कैफे सारे के सारे वेस्टर्न, यहाँ पे गाड़ी भी काफ़ी महंगी खड़ी होती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोगों की गाड़ियों को कैमरे में लाऊं दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न लोग भी, अंग्रेज़ यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। आप जब यहाँ पे वॉक करते हो तो आपको नज़र आता है कि यार इस तरह माहौल है। तो ये माहौल यहाँ पर शाम के वक्त और भी अच्छा लगता है, मतलब बहुत सारे लोग निकले हुए होते हैं, और यहाँ पर जो कैफेज़ का सीन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जो बाहर आउटिंग वाले एरिया इन्होंने बनाई हुई है कैफेज़ के बाहर, तो वो ज़बरदस्त है। यहाँ पे बड़ा लेक भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा किसी और दिन, अभी तो खैर मैंने जाना है, मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। लेकिन मुझे ये वाला एरिया काफ़ी ज़बरदस्त है, ये अच्छा लगता है। और ये ट्रेबेका मामा किली, यहाँ पर हम अक्सर आते हैं, तो ये शाम के वक्त बहुत ज़बरदस्त लगती है। अभी मैं यहाँ से कॉफ़ी ले लेता हूँ और फिर निकलते हैं, अब मैं टैक्सी का भी वेट करता हूँ। ये सामने यहाँ इसको क्रॉस करके ना तो वो नए अपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, और वो जो लेक है वो भी आ जाता है। कि जो मामा के लिए ट्रेबेका का कैफ़े हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके फूड बड़े ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके वैराइटीज़ हैं इनके पास, और इनकी पेस्ट्रीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये यहाँ पर बहुत ही फेमस है नानजिंग के अंदर, मैंने किसी और जगह पर ट्राई नहीं किया, लेकिन नानजिंग में मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको ट्राई किया हुआ है। वैसे यहाँ पे जब हम शाम को आते हैं और ये जो बाहर आउटिंग है, इधर बैठते हैं उसके बाहर, जब हम देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। और यहाँ पे अक्सर फूड ट्रक्स भी होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की फेस्ट्रीज़ और मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मिलती हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। ये कैफे से आप चेक कर लें, यहाँ पर जो आप बैठे होते हैं इस तरह के नज़ारे होते हैं, यहाँ पर अक्सर ट्रक्स, फूड ट्रक्स खड़े होते हैं। ये
तो शुक्र है टाइम पे मेरा टैक्सी पहुंच गया, वरना बाहर बारिश शुरू हो गई थी और मैंने आज अनफॉर्चुनेटली अपनी जो अम्ब्रेला है वो मैंने छोड़ दिया है। हालांकि मेरे पास हर वक्त बैग में वो पड़ी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट फॉरगॉट बट लेट्स सी। मैं अभी टैक्सी में बैठ गया हूँ, ये रास्ता मैं दिखाता हूँ, ये जो क्या की जो रोड्स हैं वो काफ़ी ब्रेड चेकेंगे।你们欧洲就是欧盟之内不需要签证了吗？你是到处走？是的，因为如果我们就是想旅游，对啊，旅游的话我们不需要。对，就是欧盟国内。是的，因为我们可以如果我们这边来差不多14天可以来没问题的，但是如果我们就是想花很多时间，那我们需要。时间久了就要需要。是的，是的。如果你想做商业。还是想做工作呢，然后你需要的，但是如果你来旅游的，旅游的话不需要的。订好了吗？你觉得江北很好还是香林很好？肯定是香林这边好，香林环境要好一点。为什么香林好？香林大学多。大学多？这里有一个大学。是大学城，大学多。大学多，年轻人多，充满活力呀，对吧？这边买房又怎么样？这边买房现在便宜一点，便宜一点，比江北便宜吗？比江北贵。哦，是的，贵的。是的，是的，因为我感觉香林的自然非常好的。对，这边的环境啊，包括人文上面，学生。这边的香林的生活非常非常舒服的。对吧？因为在江北有很多人。人又多，而且它这边也不拥堵，对吧？是的，是的，是的，是的。环境还好。अभी मैं ये टैक्सी वाले के साथ बातें कर रहा था, मैंने कहा आप किधर रहते हैं, तो ये जो वो वाला एरिया है जो जिधर से हम आए हुए थे, जिधर जो यूनिवर्सिटी का एरिया है, हमारी यूनिवर्सिटी के या वहाँ जो करीब का एरिया है जैसे कि जांग पे कहते हैं, तो ये वहाँ से वहाँ पे रहता है। उसने मुझे कहा कि वहाँ पे रश बड़ा होता है, हालांकि घरों की कीमत वहाँ पे सस्ती होती है, क्योंकि जो शानदार है यहाँ पे घरों की कीमत महंगी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ज़िंदगी पुरसकून है, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है और रोड्स बड़े कुशादा हैं, रश इतना ज़्यादा नहीं है और बहुत ही पुरसकून ज़िंदगी है यहाँ पर। अभी यहाँ पे मैं शिनजांग वालों के रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ, ये बैग पे आप देख सकते हैं, ये शिनजांग का रेस्टोरेंट है और इस तरह शिनजांग के रेस्टोरेंट चाइना के मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको बड़े आसानी से मिल सकते हैं। तो इनके जो नान हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, इसके ऊपर ये मुख्तलिफ सॉस लगा लेते हैं। मैंने खैर काफ़ी जगह पे ट्राई किया था, लेकिन उनके सॉस वगैरह या नान थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, मतलब जिस तरीके से वो बनाते हैं, लेकिन ये जो शानलिन में है इनका जो नान होता है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो इनके बारबेक्यू भी बड़े अच्छे होते हैं। तो अभी भी ये तकरीबन स्टार्ट ले रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं, शाम के वक्त यहाँ पर रौनक सही लगी होती है। ये भी इसी एरिया का एक मशहूर सेंटर है, मतलब ये सिटी सेंटर तो नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनकी यहाँ पे ये सामने घर हैं उनके लिए ये एक सेंटर बना हुआ है, एक मार्केट बनी हुई है। तो यहाँ पे अक्सर बच्चों को भी लेके आते हैं और इधर भी ये शाम को एंजॉय करते हैं। शिनजांग वाले रेस्टोरेंट में तो मेरा ऑर्डर तैयार हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े है जहाँ की चीज़ केक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर यहाँ से चीज़ केक लेता हूँ। और मैंने कहा चलो यार जब तक ऑर्डर रेडी होता है मैं इनसे ये जल्दी पिक कर लूँ। तो अब दुआ करें कि इनके पास मिल जाए, एक छोटी सी कैफ़े है लेकिन फिर भी इनके पास ये कि चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होती हैं और इसी एरिया में एक बिज़नेस इन्होंने बनाया हुआ है। ये सामने कैफ़े हैं और इनके पास खैर वैरायटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी होती है। चीज़ केक मेरे ख्याल में इनके पास ख़त्म हो गया है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ केक जिसको मैं ढूँढ रहा हूँ मेरे ख्याल में अनअवेलेबल है। सिर्फ एक ही अवेलेबल था और वो जैसे ही मैं गया तो बस वो एक ही मैंने उठा लिया, हालांकि मैं सोच रहा था मैं इनसे यूजुअली ज़्यादा ले लेता हूँ, तो वो पड़ी होती है मेरे पास, लेकिन वो शाम का वक्त है क्योंकि वो भी बड़ी जल्दी ख़त्म होती है, जो अच्छी चीज़ होती है वो यहाँ पर कुछ छोड़ता ही नहीं है।
ये भी मैं मेन कैंपस आ गया हूँ और यहाँ पे ये रौनक आप चेक कर लें। यहाँ पर मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह बनी हुई है और मुख्तलिफ लोग इन्जॉय कर रहे हैं। रास्ते में शायद थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी लेकिन मुझे उसका नहीं पता था क्योंकि मैं मेट्रो में था और मेट्रो से मैं डायरेक्ट इधर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ से बस जाती हैं। मैंने अभी यहाँ पे खाना भी टेक अवे कर लिया है, अपने साथ लेके जाना है और मैंने यहाँ से भी ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर की हुई है तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जाके बस में बैठना है। तो बस की जर्नी तो वैसे काफ़ी ज़बरदस्त होती है तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि वो बस की जर्नी, क्योंकि मेट्रो की जर्नी थोड़ी अनकम्फर्टेबल होती है और बस में एक बंदे की नींद भी आ जाती है और जल्दी भी पहुँचा देती है। ऑर्डर तो मैंने यहाँ से रिसीव किया हुआ है और अभी आप बाहर ये चेक कर लें, ये इधर रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं और ये सामने चाइनीज़ पेस्ट्री की शॉप्स है, यहाँ पे बिस्किट्स वगैरह भी हैं लेकिन चाइनीज़ टेस्ट वी आर नॉट गोइंग फॉर इट। और ये कि मैन कैंपस में रश ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, फैकल्टी भी यहाँ पे ज़्यादा हैं क्योंकि ये सिटी के अंदर है तो इसीलिए ये यहाँ पे एक बड़ा मार्ट है